हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीट्यूटो चैनल। और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने टू वर्कबुक को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं और कैसे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं स्क्रोलिंग को। जैसे कि आप ऊपर नीचे स्क्रोल कर रहे हैं तो उसको आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, और कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और टाइल्स वगैरह में। तो ये कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो। चलिए, तो ये हमारे पास वर्कबुक्स हैं। ये फर्स्ट वर्कबुक है मेरी और दूसरी ये है। ये सारी जो डाटा थे ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टेक्स्ट टू कॉलम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। समझे कि आपके पास यहाँ पे दो वर्कबुक्स हैं। सोचिए आप कुछ ना कुछ रिलेशन है इन दो वर्कबुक में। सोचिए यहाँ पे एक सेल्स डाटा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट डाटा है। अगर आप दोनों को कंपेयर करना तो कैसे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं कैसे। अगर आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विंडो के अंदर, व्यू रिबन के विंडो के अंदर साइड बाय साइड, राइट। तो आप साइड बाय साइड करेंगे तो ये डिफॉल्ट वर्कबुक आपके पास ऊपर नीचे आ जाएगी कंपेयर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहे हैं। जैसे आप स्क्रोल करें आप देख रहे हैं कि ऊपर का भी स्क्रोल हो रहा है और नीचे का भी स्क्रोल हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग स्क्रोल, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप सिंपल सिंक्रोनाइजिंग स्क्रोलिंग को डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ इस नीचे वाले में क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है, अगर आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं इनफिनिट स्क्रॉलिंग करूँगा क्योंकि मैं, अगर आपके पास सेम डाटाज हैं कुछ महीनों के, लाइक सेल्स डाटा है आपके इस महीने का और दूसरे महीने का, तो फॉर्मेट तो दोनों वर्कबुक का सेम ही होगा, तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है एनालाइज करने के लिए। सपोज तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली हमने यहाँ पे रेंज हो गया। अगर आपको एक वर्टिकल चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, तो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास अरेंज ऑल एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है टाइल्ड, ठीक है। टाइल तो ये तो चलो दो है, अगर आपके दो से ज़्यादा तो आप टाइल भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइल्स में क्या होता है, ये काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे वर्कबुक्स बन जाते हैं, बट नहीं फिर हमें चाहिए वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल भी सेम ही होगा, कोई कुछ नोटिस नहीं हुआ होगा, बट उसके हिसाब से ये अरेंज हो गया है, राइट। तो आप ये चीज़ हो गई है। एक और चीज़ है कैस्केड्स, राइट। आप देख रहे हैं पीछे और आगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो हमें ये चीज़ चाहिए नहीं है, तो हमें सिर्फ अरेंज ऑल में करके वर्टिकल पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्फ्रारेड स्क्रोलिंग है वो नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्रारेड स्क्रोलिंग के लिए यहाँ पे जो एक बटन है जो साइड बाई साइड के नीचे, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे ऊपर भी मैं स्क्रोलिंग करूँ, इधर भी स्क्रोल करूँ, तो ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है अगर आपके पास एक ही तरह का फॉर्मेट डाटा है दोनों वर्कबुक में, ताकि आप एक कंपेयर कर सकते हैं और उसको जैसे भी आपके हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये सब एनालाइज करने के बाद बंद करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वो साइड बाई साइड बंद, तो आपका ये बंद हो जाएगा और आप अपने वर्कबुक पे वापस आ जाएंगे। तो ये थी हमारी एक क्विक ट्यूटोरियल, जो अगर आपको टूल टिप है जो आपको पसंद आई हो, अगर आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी को ये जानने की ज़रूरत है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।